केरला में करप्ट और ना काबिल सरकार होने का बहुत बड़ा नुकसान केरल के आप सब मेरे भाई बहनों को उठाना पड़ रहा है। हर वर्ग डर में जी रहा है। राज्य सरकार में बैठे लोग चैन की नींद सो रहे हैं। एक बार कांग्रेस, एक बार एलडीएफ, ये जो मिली भगत का चक्कर चल रहा है ना, वो चक्कर जब टूटेगा तब जाकर के आपको न्याय मिलेगा। यहां एलडीएफ यूडीएफ दोनों लड़ने का दिखावा तो कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली जाकर एक दूसरे को गले मिल जाते हैं। कांग्रेस वाले लेफ्ट सरकार को फांसीवादी कहते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस को घोटालेबाज पार्टी कहते हैं, और फिर दिल्ली में ये लोग आपस में मिलकर गठबंधन कर लेते हैं। केरला में करप्ट और ना काबिल सरकार होने का बहुत बड़ा नुकसान केरल के आप सब मेरे भाई बहनों को उठाना पड़ रहा है। हम जानते हैं यहां रबर के किसान हैं, कितनी मुसीबतों से रबर का किसान गुजारा कर रहा है, लेकिन एलडीएफ और यूडीएफ ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। केरला में कानून व्यवस्था का हाल भी बहुत बुरा है। यहां तक कि चर्च के पादरी भी हिंसा के शिकार हो रहे हैं। कितने ही कॉलेज कैंपस कम्युनिस्टों के गुंडों के अड्डे बन गए हैं। महिलाएं, युवा और हर वर्ग डर में जी रहा है। राज्य सरकार में बैठे लोग चैन की नींद सो रहे हैं। केरला को इन समस्याओं से छुटकारा तभी मिलेगा जब एक बार कांग्रेस, एक बार एलडीएफ, ये जो मिली भगत का चक्कर चल रहा है ना, वो चक्कर जब टूटेगा तब जाकर के आपको न्याय मिलेगा। जिन पॉलिटिकल पार्टीज का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करना होता है, वो कभी भी लोगों का भला नहीं कर सकती। यहां एलडीएफ यूडीएफ दोनों लड़ने का दिखावा तो कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली जाकर एक दूसरे को गले मिल जाते हैं। यहां आपके सामने कांग्रेस वाले लेफ्ट सरकार को फांसीवादी कहते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस को घोटालेबाज पार्टी कहते हैं, और फिर दिल्ली में ये लोग आपस में मिलकर गठबंधन कर लेते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट, इन दोनों ने ही केरला को खूब ठगा है। इस खेल को केरला के लोग अब समझ गए हैं। खास करके मेरी माताएं बहनें, मेरे नौजवान,
उनके इस खेल को बराबर समझ गए हैं।